हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ। चैप्टर नंबर 10 सर्कल है और एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ सर्कल्स के बारे में चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। चलिए करते हैं स्टार्ट। सर्कल, जैसे आप लोग को पता है कि क्या होता है, सर्कल एक वो टू डायमेंशनल फिगर होती है जिसके ऊपर प्रेजेंट हर पॉइंट मतलब जितने भी आप पॉइंट उस बाउंड्री के ऊपर बना सकते हो, कितने भी सब पॉइंट्स का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट जिसे हम लोग सेंटर के नाम से जानते हैं, उससे वो डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। मतलब कोई भी आप पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से मेजर करोगे, यू विल गेट द सेम वैल्यू, और इसे हम लोग रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं। चलिए, तो एक तो हो गया ये वाली बात। दूसरी चीज, अगर आप लोगों को ये बताया जाता है कि एक लाइन है सर्कल के अंदर जो कि सर्कल को दो पॉइंट पर मिल रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, आगे नहीं है, बस सर्कल के मतलब ऊपर ही खत्म हो जाती है, तो आपको पता है इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्ड बोलते हैं। कोर्ड बहुत सारी आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, एक सर्कल में जितनी भी आप चाहो उतनी ड्रॉ हो सकती है। और अगर ये कोर्ड सर्कल के सेंटर से पास होके जाती है, जैसे कि लाइक दिस ऐसे, तो हम लोग इस कोर्ड को क्या बोलते हैं, इसे अपन डायमीटर बोलते हैं। तो यानी कि एक कोर्ड जो है उसको डायमीटर कहना शुरू कर देते हैं अगर वो सर्कल के सेंटर से पास कर रही है। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि द लार्जेस्ट कोर्ड ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। डायमीटर की डेफिनेशन ये भी दी जा सकती है कि सबसे बड़ी कोर्ड सर्कल की जो होती है वो डायमीटर होती है। तीसरी चीज, अगर मेरे पास यहाँ पे अपन लिख देंगे डायमीटर, सर्कल के सेंटर से पास होना जरूरी है, सपोज कर लो ये सी सेंटर है और ये इस सर्कल का सेंटर सी हो गया। मेरे पास अब एक और सर्कल है, मैंने अब इसमें एक लाइन खींच दी है लाइक दिस। तो ये लाइन क्या देख रहे हैं आप लोग, कि सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है जैसे कोर्ड के केस में होता है, लेकिन ये जो लाइन है यहीं पे नहीं रुकी, ये आगे भी एक्सटेंड हो गई है, सर्कल के बाहर चली गई है। तो इस लाइन को हम लोग सीकेंट बोलना प्रेफर करते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, सीकेंट। अब ये कोण नहीं रहा, अगर सर्कल के बाहर निकल गया है तो इसका नाम अब सीकेंट हो जाता है। तो ये बात हो गई आपके पास तीसरी। एक और मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं अभी, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब सपोज करो इस सर्कल पे मैंने एक ऐसी लाइन खींची है, जैसे कि मैं अब आपको खींच के दिखा रहा हूँ लाइक दिस ऐसे, कि वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे। कितने पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, एक से ज्यादा टच नहीं होना चाहिए। लेट मी से ये पॉइंट पी है। अगर कोई भी एक लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है और वो आउटसाइड द सर्कल ही होगी, तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। आउटसाइड द सर्कल का मतलब क्या है, वो सर्कल की आउटर वाली बाउंड्री को एक पॉइंट पे टच करेगी, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट। यानी कि टेंजेंट इज दैट लाइन विच विल टच द सर्कल ओनली एंड ओनली थ्रू वन पॉइंट, जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करेगी, दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। तो आप लोगों ने देखा कोण, डायमीटर, सिकेंट और टेंजेंट के बारे में। अब हमारी जो एक्सरसाइज है वो इन्हीं के बेसिस पे है। एक्सरसाइज करेंगे और थ्योरम 10.1 करेंगे पहले, तो आप लोगों को चीजें ज्यादा और भी क्लियर हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहले हम लोग थ्योरम करते हैं, मैं आपको बुक के ऊपर लेके चलता हूँ। बुक में हम लोग पहले 10.1 थ्योरम पे आते हैं, जिसकी स्टेटमेंट आप लोगों को दिखाई दे रही है। व्हाट इज दिस थ्योरम, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल के किसी भी पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का होगा टू द रेडियस, रेडियस के साथ थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू जब वो जाता है।
चलिए, अब आपने स्टेटमेंट पढ़ ली है, अब मैं आपको उसको डायग्राम समझाता हूँ कि ये कैसे कह रहे हैं। सपोज कर लो दिस इज अ सर्कल, ये एक सर्कल है, और मैंने क्या किया है, इस सर्कल की एक टेंजेंट बना दी है, नहीं टच कर रही, करवाएंगे टच। ओके चलिए मान लेते हैं ये लो, ये यहाँ पे टच हो गया। सपोज कर लो दिस इज पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है जहां पे सर्कल को ये लाइन टच कर रही है, तो पी यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। पी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहां से आपने सर्कल की टेंजेंट खींची है, और ये सर्कल का मान लेते हैं हम लोग सेंटर है। अब रेडियस, रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर और सर्कल की बाउंड्री पे किसी भी पॉइंट को आप ज्वाइन कर देते हो तो फिर वो लाइन रेडियस हो जाती है, जो डायमीटर का हाफ होती है। तो यानी कि जो यहाँ पे सीपी है वो क्या है हमारे पास, रेडियस। तो यानी कि एक्स पी वाई एक टेंजेंट है और सीपी एक रेडियस है, एक्स पी वाई इज इक्वल टू टेंजेंट किस पॉइंट पे, एट पॉइंट पी, जिसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला है, ये रेडियस हो गया। और हमने प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है रेडियस के साथ टेंजेंट का, दैट इज परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल सी पाई, सी पी वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर जो रेडियस है सीपी वो एक्स पी वाई पर परपेंडिकुलर है एट पॉइंट पी, ये हम लोगों को प्रूव करना है। गिवन क्या है, गिवन में हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स पी वाई इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ सेंटर सी। एक्स पी वाई एक टेंजेंट है सर्कल की जिसका सेंटर सी है, सेंटर सी है सर्कल का, और एट पी दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन हो गया। यहाँ पे हम लोग ये भी लिख देंगे सी पी इज रेडियस, वैसे ऑटोमेटिकली क्लियर है, बट चलो फिर भी हम लोग ये लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है, लेट अ पॉइंट क्यू इज प्रेजेंट ऑन एक्स पी वाई ज्वाइन सी क्यू। आपको कहीं पे भी एक पॉइंट क्यू लेट कर लेना है इस एक्स पी वाई टेंजेंट के ऊपर, और फिर उसको आपने ज्वाइन कर देना है किसके साथ, आपा ज्वाइन कर देंगे उसको सी यानी कि सेंटर के साथ। ये मेरी कंस्ट्रक्शन है जिसको मैंने ग्रीन एरो से मार्क किया है। चलिए तो ये हमारे पास जो काम है वो खत्म हो गया है, मतलब जो भी प्रूफ था, टू गिवन था, और जो कंस्ट्रक्शन थी वो डन हो गई। अब हमारा है आगे की हमें प्रूफ कैसे करना है। स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं हम लोग। चलिए स्क्रीन हमारा जो है वो क्लियर हो रहा है और ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे प्रूफ, सीपी इज रेडियस, सीपी जो है वो रेडियस है, दिस इज गिवन, ये गिवन है। क्यू लाइज आउटसाइड द सर्कल, जो क्यू पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है बाहर, बिल्कुल है बाहर, क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन। तो इसीलिए क्या सी क्यू का डिस्टेंस सी पी से बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। आपको पता है अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है उसको सेंटर से आप ज्वाइन करोगे तो उसका डिस्टेंस रेडियस से ऑब्वियसली है ज्यादा होगा। पॉइंट अगर अंदर होता है तो डिस्टेंस कम होता है, अगर पॉइंट बाहर है तो डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होता है। सिमिलरली फॉर
एनी पॉइंट ऑन एक्स पी वाई के ऊपर किसी भी पॉइंट के लिए एक्सेप्ट पी ऑल डिस्टेंसेस फ्रॉम सी विल बी ग्रेटर देन सीपी। तो पी पॉइंट को छोड़ के इसके अलावा आप कोई भी पॉइंट और यहाँ पे बनाते हो, सभी का डिस्टेंस सीपी के डिस्टेंस से बड़ा होने वाला है, क्योंकि सारे पॉइंट पी को छोड़ के सर्कल के क्या बनेंगे, सर्कल से बाहर बनेंगे। सर्कल से बाहर बनेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो रेडियस से बड़े होंगे, विच इंप्लाइज दैट सीपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल एंड एक्स पी वाई टेंजेंट। तो इसका मतलब एक्स पी वाई टेंजेंट और जो सेंटर है उसके बीच में सीपी जो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस हो गया। तो अगर सबसे छोटा डिस्टेंस होता है किसी पॉइंट और लाइन के बीच में तो वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो सी पी वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री और सी पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स पी वाई एज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लाइन। तो मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक पॉइंट और लाइन के बीच में हमेशा एक परपेंडिकुलर लाइन होगी, जो कि लाइन जो आपको गिवन है उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और यही हम लोगों ने प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो गया। मतलब बहुत सारे पॉइंट ले लोगे आप एक्स पी वाई के ऊपर, पी को छोड़ के सारे डिस्टेंस सीपी से बड़े आएंगे क्योंकि रेडियस से बड़े हैं। तो यानी कि सीपी यानी कि जो रेडियस है वो सबसे छोटा हो गया, सबसे छोटा डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है लाइन और पॉइंट के बीच में, और यही हम लोगों ने प्रूव करना था और यही हमारा प्रूव हो गया। चलिए अब करते हैं हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट अपनी 10.1। यहाँ पे भी आपको कुछ नई बातें पता चलेगी। लेट अस स्टार्ट। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं, बहुत आसान है। पहले आप एक सर्कल ड्रॉ करो, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। अब इस सर्कल के ऊपर आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, सपोज करो एक दो तीन चार पांच, मतलब जितने सर्कल के ऊपर पॉइंट है उतने आप लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। अब एक सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट है, एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इसका मतलब जो टेंजेंट्स है एक सर्कल की वो भी कितनी हो सकती हैं, इनफाइनाइट। तो इसका आंसर क्या आएगा कि एक सर्कल की इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स पॉसिबल हो सकती है। सेकेंड क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स। अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन। एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करता है, वन पॉइंट पे। यही डेफिनेशन है टेंजेंट की, सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच या इंटरसेक्ट करेगा उसे हम लोग टेंजेंट कहते हैं। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। अगर कोई लाइन सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते थे, सीकेंट बोलते थे। हमने अभी पढ़ा दो पॉइंट्स को कट करके अगर कोई लाइन जा रही है तो दैट विल बी अ सीकेंट। अब कुछ सोच रहे होंगे कि यार इसका आंसर तो कोड भी आ सकता है। जो कोड होता है वो लाइन आगे नहीं फर्दर एक्सटेंड आप कर सकते हो, वो सर्कल के ऊपर ही जाकर खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे तो इंटरसेक्टिंग लिखा है कि मतलब उसको मतलब आगे तक वो उसको टच करके या उसको कट करके जा सकती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर विल बी सीकेंट। सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। किसी सर्कल की आप कितनी पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हो, चलिए पहले तो अपन सर्कल बना लेते हैं। ये सर्कल आ गया, मैं अब इसकी एक टेंजेंट बना लेता हूं।
सपोज कर लो ये मैंने इसकी टेंजेंट बना दी, अब मुझे ये बताइए कि इसके पैरेलल में और कितनी टेंजेंट खींच सकता हूँ। एक तो यहाँ पे खींच दूंगा, क्या कोई और ऐसा पॉइंट है जहां पे मैं इसी के पैरेलल सर्कल को एक और टेंजेंट खींच दूं? बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे खींचूंगा तो इट विल बिकम सीकेंट, ये भी सीकेंट है, ये कोण है, लेकिन टेंजेंट के लिए सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये सारे जो लाइन खींची हैं ये गलत है। टेंजेंट सिर्फ हम लोग कितनी एक ही खींच सकते हैं, और पैरेलल कितनी टेंजेंट्स हो गई हमारे पास? टू टेंजेंट्स हो गई। तो राइट आंसर विल बी TWO 2, दो पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं किसी सर्कल की ज्यादा से ज्यादा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि लो ये भी तो टेंजेंट है, एक ये हो गई और एक ये हो गई, ये भी पैरेलल है तो चार हो गई। नहीं, आपस में पैरेलल, भले ये तो आपस में पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल नहीं है, चारों तो आपस में पैरेलल नहीं है ना, तो इसलिए योर आंसर विल बी ओनली टू। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड सर्कल टू द सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, जहां पे आपकी टेंजेंट सर्कल को टच कर रही है उस कॉमन पॉइंट को व्हाट वी कॉल, दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के नाम से जानते हैं, तो दैट इज कॉल्ड POC, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। चलिए तो हमारे दो क्वेश्चन डन हो गए, फिल दी ब्लैंक्स ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। लेट अस डू थर्ड क्वेश्चन। अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। चलिए एक मिनट, पहले हम लोग इसको रब कर देते हैं, और क्योंकि हम लोग यहीं पे इसको कर सकते हैं। चलिए यस, अब ठीक है। हाँ जी, अब हमारे पास क्वेश्चन है टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल। एक हमारे पास सर्कल है और हम लोगों ने इसका बनाना है एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल। पॉइंट P पे एक टेंजेंट है, लेट मी से दिस इज पॉइंट P, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये टेंजेंट है। सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये अपना रेडियस मान लेते हैं इसको, इसको सी लिख लो, एंड दिस इज योर 5 सेंटीमीटर। मीट्स अ लाइन थ्रू दी सेंटर ओ, के सेंटर भी दिया हुआ है, ओ है, एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये टेंजेंट वाली लाइन एक लाइन को मिल रही है जो सेंटर से निकल रही है पॉइंट क्यू से, और ओ क्यू की वैल्यू 12 है, यानी कि ओ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो इस टेंजेंट को पॉइंट क्यू पे मिलने वाली है लाइक दिस, और ये ओ क्यू की जो लेंथ है दैट इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ पी क्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये लेंथ मुझे पी क्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। आई थिंक आप लोगों को स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी, और ये डायग्राम है। शुरुआत करते हैं, इन ट्राइंगल OPQ ट्राइंगल में OP इज रेडियस, OP रेडियस है, PQ इज टेंजेंट, PQ एक टेंजेंट है, ये हम लोगों को गिवन लगा लो। सो OP परपेंडिकुलर टू PQ, तो OP PQ के परपेंडिकुलर होगा। अभी हम लोग करके आए हैं कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है, तो यानी कि जो एंगल OPQ है इट विल बी ऑफ 90 डिग्री। अब अगर किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए तो यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 90 के सामने वाली लाइन हाइपोटेनियस होती है, तो यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर जो है वो यहाँ पे हाइपोटेनियस चला गया, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब किसी भी एक लाइन को परपेंडिकुलर लेट कर सकते हो, किसी भी एक लाइन को आप बेस लेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे कोई एंगल का कोई चक्कर नहीं है। ओपी की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर, पी क्यू नहीं पता, पी क्यू लिख लो, ओ क्यू 12 है, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है इधर कर लेते हैं 25, पी क्यू का स्क्वायर ये तो हमें पता ही नहीं है, और 12 का स्क्वायर 144। 25 को जब आप राइट साइड पे लेके जाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 144 में से 25 माइनस करोगे तो ये 119 बन जाएंगे, और पी क्यू निकालनी है तो रूट करना पड़ेगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस निगलेक्ट कर देंगे, लेंथ नेगेटिव हो नहीं सकती, तो आंसर क्या आ गया, पी क्यू इज इक्वल टू रूट 119
सेंटीमीटर आ गया। तो यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपके ऐसे क्वेश्चन इजीली डन हो जाएंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा डन हो गया। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करें। चलिए पहले सर्कल ही ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। एंड टू लाइंस और दो लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन, एक गिवन लाइन के पैरेलल। चलिए एक लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें, तो हम लोग गिवन लाइन के लिए ये लीजिए, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। इस लाइन के पैरेलल हमें दो लाइंस पैरेलल और ड्रॉ करनी है, सच दैट वन इज टेंजेंट, एक इनमें से टेंजेंट होनी चाहिए। चलिए ये इसके पैरेलल ये हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा हो गया। चलो टेंजेंट सिर्फ एक ही पॉइंट पे होनी चाहिए, मान लो पी क्यू गिवन लाइन है और एक्स वाई हमारी टेंजेंट हो गई, ये हम लोग लिख देते हैं गिवन लाइन, और ये हो गई आपके पास टेंजेंट लाइन। एंड अदर अ सीकेंट टू द सर्कल, और एक और लाइन खींचनी है जो सीकेंट हो। तो दिस इज योर सीकेंट लाइन। तो इस तरीके से आप लोगों को एक लाइन की बनती, उसके पैरेलल आपने दो लाइंस खींचनी है, एक टेंजेंट लाइन होनी चाहिए और एक सीकेंट लाइन होनी चाहिए, और यही आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 था। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 10.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है, जिसमें आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चली है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री या परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल होता है, और सीकेंट जो लाइन सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी, कोण सर्कल के ऊपर ही रहेगी, और टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे अपा टेंजेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से आप लोग का एक्सरसाइज 10.1 डन हुआ। आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।